हेलो फ्रेंड्स, समथिंग टेकी समथिंग फूडी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमको 500 ग्राम ग्रेट किए हुए गाजर, 100 ग्राम शुगर, आधा लीटर दूध, बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा इलायची पाउडर और 2 चम्मच घी। सबसे पहले हम पैन गरम करने रखेंगे, उसमें घी डाल के उसको गरम होने देंगे। और उसमें हम ग्रेट किए हुए गाजर को डाल देंगे। गाजर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसको हमें सोख कर लेना है अच्छे से और घी में थोड़ा अच्छे से सेक लेना है। ये हमको 5 मिनट तक करना है। थोड़ा उसका पानी सोख जाए तो उसमें हम आधा लीटर दूध मिला देते हैं। दूध हमको मलाई के साथ ही लेना है। मलाई के साथ दूध डालेंगे तो हमको खोया डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसे हमें चलाते रहना है जब तक कि दूध अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं होता। फिर उसमें हम शुगर डाल देंगे। बीच बीच में हमको चलाते रहना है। शुगर का पानी थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद हम बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक किए हुए कैशू और आलमंड्स लिए हैं। इसे हमें अच्छे से चलाना है और इसका पानी अच्छा होने के बाद लास्ट में हमें इलायची पाउडर डाल देना है। इलायची पाउडर से फ्लेवर अच्छा आता है और गाजर का हलवा को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, इसे बनाइए और आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा। अभी हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल के थोड़ा आलमंड्स पीसेस के साथ गार्निश करेंगे। और ये हमारा गाजर का हलवा रेडी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।